अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लुकमान टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। इस वायरस के समय हमें बाहर से लाए हुए ग्रासरी वेजिटेबल्स को कैसे साफ करें, अब उसको कैसे स्टोर करके रखें, मैं आपको बताऊंगी। इन सारे चीज़ों को हमें घर में ले जाने से पहले इनको साफ कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करें। लाए हुए सारे चीज़ों को हमें कवरों में से बाहर निकाल लें। इस वायरस के समय तो सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बिना भी हमें घर में के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके इसको साफ़ कर सकते हैं। इस वायरस के समय तो हमें सारे चीज़ों को साफ़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने सारे चीज़ों को अनपैक कर लिया और बाहर से लाए हुए कवरों को हमें बाहर फेंक देना है। तो मैंने सारे कवरों को अलग कर ले रही हूँ और एक कवर में डाल ले रही हूँ। क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने छूते हैं और इसमें वायरस रहने के चांसेस बहुत है, तो मैंने सारे कवरों को अलग करके इसको बाहर फेंक दिया। अब मैं सबसे पहले सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने इन सारे चीज़ों को छुआ है। मैंने यहाँ पे लिया है डिसइंफेक्टिंग वाइप्स, इसकी मदद से मैंने सारे पैकेट चीज़ों को, कवर के चीज़ों को साफ करूँगी। आपके पास डिसइंफेक्टिंग वाइप्स नहीं हो तो आप विनेगर पानी, हल्दी का पानी, लिक्विड सोप वाटर, डेटॉल वाटर को डाल के भी हमें इसको साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सारे चीज़ों को साफ करके रख लेना है। इसी प्रकार हमें सारे पैकेट चीज़ों को साफ कर लेंगे। ये कि वाइप से हमें सारे चीज़ों को साफ नहीं कर सकते हैं और इसमें कवेट ख़त्म होने के बाद इसको बाहर फेंक दे और दूसरा ले, बचे हुए चीज़ों को साफ करें। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे चीज़ों को यूज़ करके हमें ग्रासरी वेजिटेबल्स फ्रूट्स को कैसे साफ करें बताया है। आप लोगों के पास कौन सा चीज़ ईजीली अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ करके इन सारे पैकेट चीज़ों को साफ कर ले सकते हैं। इन दिनों में इस तरह स्टोर करके रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इस प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करें। जितने भी चीज़ें मैंने डिसइंफेक्टिंग वाइप से साफ कर सकती थी, मैंने उन सारे चीज़ों को अच्छे से इस तरह साफ करके बाजू रख लिया। दोबारा मैंने सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कर लिया। मैंने यहाँ दो बर्तन पे पानी लिया है, एक इसमें मैंने ऐड करूँगी हल्दी और एक इसमें मैंने ऐड करूँगी विनेगर। तो इसमें मैंने फ्रूट्स को डाल के अच्छे से धो लूँगी। आप नॉर्मल टाइम पे भी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को इस तरह हल्दी के पानी में या विनेगर पानी में साफ़ करें, क्योंकि आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया रहता है। आप कभी किसी टाइम पे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लाके हल्दी के पानी या विनेगर पानी में उसको साफ करने से उसमें का बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स जाके फ्रेश हो जाते हैं, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हल्दी का पानी को यूज़ करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे साफ़ कर ले वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पे विनेगर पानी में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को साफ़ कर ले रही हूँ। साफ़ करके इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। बीच बीच में हमें पानी को चेंज करते हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धो लेंगे। मैंने बीच में पानी को चेंज किया, क्योंकि हमें एक ही पानी में सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं धो सकते। आलू को धो के मैंने पूरी तरह से सूखने के बाद इसको स्टोर करूँगी, वरना ये ख़राब हो जाएगा। हरा धनिया को भी हमें पूरी तरह से सूखने के बाद
इसको फ्रिज में रखेंगे वरना यह सड़ जाएगा। अब हम इन कवरों को सब एक कवर में डाल के बाहर फेंक दें और इस जगह को थोड़ा डेटॉल डाल करके साफ़ करें अच्छे से, क्योंकि इस साफ़ किया जगह में भी वायरस रह सकता है। तो मैंने डेटॉल की मदद से इस तरह अच्छे से साफ़ कर लिया। आप भी इस प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।